क्या दोस्तों, आप भी अपने इंस्टाग्राम से फेसबुक को कनेक्ट करना चाहते हो? क्या आपको नहीं पता कि इंस्टाग्राम से फेसबुक को कैसे कनेक्ट किया जाता है? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे अपने इंस्टाग्राम से फेसबुक को कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं, जान लेते हैं कि इंस्टाग्राम से हम कैसे फेसबुक को कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम से फेसबुक को कनेक्ट करना है तो कुछ सेटिंग आपको करनी पड़ती है। उसके लिए आपको सबसे पहले अपना फेसबुक ओपन करना है। ये वाला फेसबुक का ऐप है, इसे ओपन कर देंगे। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर अपना फेसबुक का अकाउंट लॉगिन कर लेना है। अब जो भी इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना चाहते हैं फेसबुक का अकाउंट, वो वाला फेसबुक का अकाउंट आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। अब दोस्तों, मैंने यहाँ पर मेरा अकाउंट लॉगिन कर लिया है, तो आप भी अपना अकाउंट यहाँ पर सबसे पहले लॉगिन कर लेना। अकाउंट लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है, पूरी तरह से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद अभी आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन कर देना है। तो ये रहा इंस्टाग्राम, इसके ऊपर क्लिक करके इसे ओपन कर देंगे। इंस्टाग्राम को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। अब यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम से फेसबुक को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर नीचे आपको एक प्रोफाइल का आइकॉन मिलेगा आपकी, तो आपको इस आइकॉन पे क्लिक कर देना है। प्रोफाइल के आइकॉन के ऊपर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको ऊपर 3 लाइन मिलेगी, ये वाली, तो आपको सिंपल से इन 3 लाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। 3 लाइन के ऊपर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने यहाँ पर पॉपअप सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि कुछ ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे, जिसमें से आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी का। तो आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद आपके सामने यहाँ पर इंस्टाग्राम की सेटिंग वगैरह ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ सेटिंग मैं आपको बताऊंगा, उन सेटिंग को करने के बाद यहाँ पर आप अपने इंस्टाग्राम से फेसबुक को कनेक्ट कर पाओगे। तो कौन सी सेटिंग आपको करनी पड़ती है यहाँ पर, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा अकाउंट सेंटर का, ये वाला, तो ये वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अकाउंट सेंटर के ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट का, तो आपको अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐड अकाउंट्स का, तो आपको ऐड अकाउंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपको मिलेगा ऐड फेसबुक अकाउंट का और सेकेंड वाला ऑप्शन आपको मिलेगा ऐड इंस्टाग्राम अकाउंट का। तो आपको यहाँ पर ऐड फेसबुक अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। ऐड फेसबुक अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देने के बाद अभी आपका फेसबुक पे जो भी नाम होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और आपका फेसबुक का आईडी भी आपको यहाँ पर शो होगा। अब दोस्तों, आप यहाँ पर अपने इसी वाले फेसबुक अकाउंट को जोड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम से, तो आपको नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये आपको बोलेगा यस फिनिश एडिंग, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यस फिनिश एडिंग के ऊपर क्लिक कर देने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर हमारा फेसबुक का अकाउंट इंस्टाग्राम से लिंक हो चुका है। अब यहाँ से बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों, आप कुछ भी शेयर करेंगे फेसबुक से तो आपके इंस्टाग्राम पर भी आप डालना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर कनेक्ट एंड एक्सपीरियंस का ऑप्शन मिलेगा, इस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पर शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर अपना फेसबुक के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, आप यहाँ पर ऑटोमेटिक शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको ये नीचे, तो आप इन दोनों को भी ऑन कर देंगे तो आप अपने फेसबुक पे जो भी शेयर करेंगे वो आपके इंस्टाग्राम पर भी शेयर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम से फेसबुक को कनेक्ट कर सकते हैं।